आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम की पारंपरिक अचार विधि यानी कि ट्रेडिशनल मैंगो पिकल रेसिपी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ टेस्टी टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो साल भर भी रखें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल DDC रेसिपीज़। टेस्टी टेस्टी पारंपरिक आम का अचार यानी कि ट्रेडिशनल मैंगो पिकल बनाने के लिए मैंने 1 kg ये कच्चे आम ले लिए हैं यानी कि कैरीज जिसे हम कहते हैं। मैंने मार्केट से ही इनको कटवा लिया था और घर में आकर 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और उसके बाद धूप में 6-7 घंटे के लिए मैंने इसे सुखा लिया है। आजकल धूप बहुत ही तेज़ है तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो आप धूप में एक कॉटन का कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर इसको अच्छे से फैलाकर ही सुखाएं, बर्तन में बिल्कुल भी ना सुखाएं, ऐसे ही कपड़े पे फैला के ही अच्छे से सूखते हैं। उसके बाद मैंने इन्हें पंखे पे रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया, तो अब ये बिल्कुल तैयार है। बस ध्यान दीजिए कि आम में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके एक पैन रख लिया है, गैस को बिल्कुल लो करें। हमें अब कुछ मसाले रोस्ट करने हैं, लेकिन अगर आप इन मसालों को धूप में सुखा लेंगे 2-3 घंटे तो रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका मॉइस्चर हमें हटाना है। मैंने नहीं सुखाए हैं तो मैं रोस्ट कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड, 2 बड़े चम्मच, इसी चम्मच से मैंने सारी चीज़ें नापी हैं, तो 2 टेबल स्पून है ये, सौंफ है यानी कि फेनल सीड इसे कहते हैं, और 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं कोरिएंडर सीड, ये होल कोरिएंडर सीड है यानी कि धनिया है, खड़ा धनिया जिसे हम कहते हैं, और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है राई, इसके दाने बहुत ही छोटे होते हैं, ये सरसों नहीं है, राई है, राई ही अचार में पड़ती है तो इसके दाने बहुत ही छोटे होते हैं। राई और सरसों के डिफरेंस वाली मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे शेयर करी है, उसका वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप चेक कर लीजिए क्योंकि सभी को इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो आप इस पर जरूर ध्यान दें, ये राई है सरसों नहीं है। 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड, 10 मैंने डाल रखे हैं इसमें लौंग यानी कि क्लोव, और 15 मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न्स, और मीडियम हीट पे हम इसे 2 मिनट के लिए बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए करें क्योंकि इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो चुके हैं और हम इसे रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम करेंगे इसे ग्राइंड। तो ये हो चुके हैं ठंडे, तो इसको मैं डाल रही हूँ एक जार में, और इसके बाद हमें इसे दरदरा पीसना है यानी कोर्स ग्राइंड करना है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें भी हमें जो है बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखने हैं, कोर्सली ग्राइंड में भी ना ही फाइन पाउडर बनाना है ना ही ज़्यादा बड़े पीसेस रखने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अगर ज़्यादा बड़े पीस हो ना तो वो मुँह पर लगते हैं अचार खाते समय, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसी तरीके से रखें। तो ये पाउडर हमारा रेडी हो गया है, तो अब हम अचार को मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई एक बड़ा बर्तन ले ले जैसे मैंने लिया है, उसमें क्या होता है कि अचार ना आसानी से मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो पाउडर बनाया है मसालों का वो डाल दिया है मैंने, तो इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, तीखा कम होती है, तो तीखा बैलेंस करने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च ली है जो हम दाल सब्जी में डालते हैं, तो बस वही वाली, और 1 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर यानी कि ट्यूमरिक पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक, इतना नमक काफ़ी होता है 1 किलो आम के अचार के लिए, और 1 कप इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, ये कच्चा है, इसको मैंने बिल्कुल भी भुना वो गर्म नहीं किया है, तो कच्चा ही इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में। तो अब सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल लेंगे अपने हमने जो आम कट करके रखे हैं ना, वो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये मसाले अभी से ही। तो जब तक फ्रेंड्स मैं ये मैंगोज इसमें मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल DDC रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल पाएँ। तो बस आम भी मैंने इस पे डाल दिया है, तो अब इस आम को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे।
ये आम का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल आप इसको रखें साल भर तक भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, अगर बस सूख, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे से सूख जाना चाहिए। तो वाह, देखिए लग रहा है ना, बहुत ही माउथ वॉटरिंग अचार, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही आसानी से देखिए बन जाता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम ही नहीं लगता है। तो मैंने एक ये ले लिया है शीशे वाला का कांच का ये बॉटल है, इसी तरीके से आप भी जो है किसी भी कांच की बॉटल में इसे डालें तो अचार बहुत लंबे समय तक रहता है, और प्लास्टिक की बॉटल में तो आप बिल्कुल भी इसको ना डालें, चाहे आप क्ले वाला ले लें तो वो भी अच्छा है। तो इस तरीके से इस अचार को डालने के बाद हमें लगभग एक हफ्ते तक इसको धूप दिखानी होगी, बार बार रोज़ आप इसे धूप में रखें, 4-5 घंटे के लिए इसे रोज़ धूप में रखें कैप लगाकर, तो अचार बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा इसको 15-20 दिन तक अचार जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस किस तरीके का अचार बनाते हैं, मुझे भी अपनी रेसिपी ज़रूर बताएं। थैंक यू, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।